વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ડી કેબિન ખાતે પહોંચી ચૂક્યા છે અને હાલમાં કરી રહ્યા છે સંબોધન. કોને સે જુડે સભી ગવર્નર શ્રી, આદરણીય મુખ્યમંત્રીગણ, સાંસદગણ, વિધાયકગણ, મંત્રીગણ, और मैं स्क्रीन पर देख रहा हूं, मेरे सामने 700 से ज्यादा स्थान पर वहां के सांसद के नेतृत्व में, वहां के मंत्री के नेतृत्व में लाखों लोग आज इस कार्यक्रम में जुड़े हैं. शायद रेलवे के इतिहास में एक साथ हिंदुस्तान के हर कोने में इतना बड़ा कार्यक्रम कभी नहीं हुआ होगा. सौ साल में पहली बार हुआ यह कार्यक्रम होगा. मैं रेलवे को भी इस भव्य आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं. विकसित भारत के लिए हो रहे नव निर्माण का लगातार विस्तार हो रहा है. देश के कोने कोने में परियोजनाओं का लोकार्पण हो रहा है, नई योजनाएं शुरू हो रही है. अगर मैं साल 2024 की ही बात करूं, 2024 आने मुश्किल से अभी 75 दिन हुए हैं 2024 के. इन करीब करीब 75 दिन में 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो चुका है. और अगर मैं पिछले 10-12 दिन की बात करूं, पिछले 10-12 दिन में ही 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है. आज भी विकसित भारत की दिशा में देश ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया. इस कार्यक्रम में अभी यहां 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का और लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है. और आप देखिए, आज 85,000 करोड़ रुपए, 85,000 करोड़ रुपए से अधिक से सिर्फ और सिर्फ रेलवे के प्रोजेक्ट देश को मिले हैं. और इसके उपरांत, समय का अभाव रहता है मुझे, विकास में मैं गति को धीमी नहीं होने देना चाहता, और इसलिए आज रेलवे के ही कार्यक्रम में एक और कार्यक्रम जुड़ गया है, पेट्रोलियम वालों का. और दहेज में, गुजरात में दहेज में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले पेट्रोकेमिकल परिसर का भी शिलान्यास हुआ है. और ये प्रोजेक्ट हाइड्रोजन उत्पादन के साथ साथ देश में पॉलीप्रोपिलीन की डिमांड को पूरा करने में अहम भूमिका निभाने वाला है. आज ही गुजरात और महाराष्ट्र में एकता मॉल्स का भी शिलान्यास हुआ है. ये एकता मॉल्स भारत के समृद्ध कुटीर उद्योग, हमारे हस्तशिल्प, हमारा वोकल फॉर लोकल का जो मिशन है, उसको देश के कोने कोने तक ले जाने में सहायक होगा. और उसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की नींव को भी मजबूत होते हम देखेंगे. मैं इन परियोजनाओं के लिए देशवासियों को बधाई देता हूं. और मैं मेरे नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, भारत एक युवा देश है, बहुत बड़ी तादाद में युवा रहते हैं देश में,
मैं खास तौर पर मेरे युवा साथियों से कहना चाहता हूं, आज जो लोकार्पण हुआ है वो आपके वर्तमान के लिए है, और आज जो शिलान्यास हुआ है वो आपके उज्जवल भविष्य की गारंटी लेकर के आया है। साथियों, आजादी के बाद की सरकारों ने राजनीतिक स्वार्थ को जिस तरह प्राथमिकता दी और उसकी बहुत बड़ी शिकार भारतीय रेल रही है, आप पिछले 2014 के पहले के 25-30 रेल बजट देख लीजिए। रेल मंत्री देश की पार्लियामेंट में क्या बोलते थे, हमारी फलानी ट्रेन का वहां स्टॉपेज दे देंगे, वहां हम डिब्बे 6 है तो 8 कर देंगे, यानी रेलवे, और मैं देख रहा था पार्लियामेंट में भी धप धप तालियां बजती थी, यानी यही सोच रही थी कि स्टॉपेज मिला कि नहीं मिला, ट्रेन वहां तक आती है मेरे स्टेशन तक आगे बढ़ी कि नहीं बढ़ी। देखिए, 21वीं सदी में यही सोच रही होती तो देश का क्या होता। और मैंने पहला काम किया, रेल को अलग बजट से निकाल करके भारत सरकार के बजट में डाल दिया, और उसके कारण आज भारत सरकार के बजट के पैसे रेलवे के विकास के लिए लगने लगे। पिछले दिनों देखा है, इन दशकों में समय की पाबंदी, आपने हालत देखा है, ट्रेन पर मेन लोग ये नहीं देखने जाते थे किस प्लेटफॉर्म पर कौन सी ट्रेन है, लोग ये देखते हैं कितनी लेट है, यही कार्यक्रम है घर से, क्योंकि उस समय मोबाइल तो था नहीं, स्टेशन पे जाकर के देखना कि भाई कितनी लेट है, रिश्तेदारों को कहते भाई रुके रहो पता नहीं ट्रेन कब आएगी वरना घर वापस जाकर के फिर आएंगे, ये रहता था। स्वच्छता की समस्या, सुरक्षा, सहूलियत, हर चीज पैसेंजर के नसीब पर छोड़ दी गई थी। 2014 में देश में आज से 10 साल पहले नॉर्थ ईस्ट के 6 राज्यों ऐसे थे जहां की राजधानी हमारे देश की रेलवे से नहीं जुड़ी थी। 2014 में देश में 10,000 से ज्यादा ऐसे रेल फाटक थे, 10,000 से ज्यादा, जहां कोई व्यक्ति नहीं था, लगातार एक्सीडेंट होते थे और उसके कारण हमारे होनहार बच्चों को, नौजवानों को हमें खोना पड़ता था। 2014 में देश में सिर्फ 35% रेल लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। पहले की सरकारों के लिए रेल लाइनों का दोहरीकरण भी उनकी प्राथमिकता में ही नहीं था। इस परिस्थिति में हर पल कौन मुसीबतें झेल रहा था, कौन परेशानियों में पीसा जाता था, हमारे देश का सामान्य मानवी, मध्यम वर्ग का परिवार, भारत का छोटा किसान, भारत के छोटे उद्यमी, आप याद करिए रेलवे रिजर्वेशन उसकी भी क्या हाल था, लंबी लंबी लाइनें, दलाली, कमीशन, घंटों का इंतजार, लोगों ने भी सोच लिया था कि अब ये हालत कभी नहीं, सबने माना था भाई रेलवे पर ऐसी है मुसीबत है, चलो 2-4 घंटे सफर करनी है कर लेंगे, चिल्ला उमत, यही जिंदगी हो गई थी। और मैंने तो मेरी जिंदगी ही रेल की पटरी पर शुरू की है, इसलिए मुझे भली भांति है रेल का क्या हाल था। साथियों, भारतीय रेल को उस नर्क जैसी स्थिति से बाहर निकालने के लिए जो इच्छा शक्ति चाहिए थी, वो इच्छा शक्ति हमारी सरकार ने दिखाई है।